दूसरा जो आपने सवाल पूछा कि एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप पे बैन करेंगे कि नहीं करेंगे, एक तो ये समझ लीजिए कि बैन करने से कोई चीज़ ख़त्म नहीं होता है, ये बात आप जान लीजिए। बैनिंग कल्चर जो है ना अपने आप में बहुत प्रॉब्लमेटिक होता है। अगर आप बैन कर देंगे ना तो बैन करने से उसको लेकर के सोसाइटी की जो क्यूरियोसिटी है ना वो जस की तस बनी रहेगी, लेकिन सोसाइटी में अगर उसकी रियलिटी सामने आ जाएगी ना तो फिर उसका प्रभाव चला जाएगा। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक बार देश ने मोदी का स्वाद चख लिया, अब आकर के कोई कहे कि मैं अच्छे दिन लाऊंगा तो कोई भरोसा करेगा? बैनिंग एक्चुअली किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं होता है। किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है सोशल कॉन्शियसनेस। अगर सोसाइटी में हम सोशल कॉन्शियसनेस के लिए कोई काम नहीं करें, हम एजुकेशन पे काम नहीं करें, लोगों के बीच में अवेयरनेस पे काम नहीं करें तो सोसाइटी में डिरेलमेंट होता है। और ये डिरेलमेंट कैसे हो गया है इसका मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। पहले हिंदी सिनेमा में क्या गाना बनता था? तो हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। आजकल क्या बन रहा है इसको आपको समझना पड़ेगा। सोसाइटी का अवेयरनेस सिनेमा, लिटरेचर, एजुकेशन, ठीक है, और जो पब्लिक डायलॉग होते हैं उसके माध्यम से होता है। सोसाइटी के अंदर जो आप कहते हैं कि ये एक्सट्रीमिस्ट आइडियाज़ के लोग हैं, ये एक्सट्रीमिस्ट आइडियाज़ के लोग एक्चुअली विक्टिम कार्ड प्ले कर रहे थे, और आज जब उनको पावर मिल गया है तो वो विक्टिम कार्ड प्ले करने के पोजीशन में नहीं। और मैं आपको बता दूं कि आरएसएस कभी भी इस बात को स्वीकार नहीं की कि वो एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है। जब सरदार पटेल ने आरएसएस के ऊपर बैन किया था तो माफीनामा में उन्होंने यही लिखा कि हम कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं करेंगे। तो पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं करेंगे, लेकिन दूसरी जो एक्टिविटी वो करेंगे वो है तो पॉलिटिकल एक्टिविटी ही। ये तो वही बात हो गई ना कि आप कोई भी ऐड देखिए, बड़ा सा ऐड रहेगा और कोने में स्टार मार्क करके लिख देंगे टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई। आजकल तो टर्म्स एंड कंडीशन भी नहीं लिखते हैं, टी एंड सी अप्लाई लिख देते हैं। किसी भी मॉल में जाइए तो मॉल के गेट पे क्या लिखा रखता है? 70% फ्री अप टू। ये अप टू का क्या मतलब होता है? ये जो चीज है कि कानून किसी चीज को खत्म करने के लिए बनाया जाता है, लेकिन उस कानून ने जिस समस्या को समाप्त करने के लिए वो कानून बनाया गया है, वो समस्या को लेकर के अगर सोसाइटी में अवेयरनेस नहीं है तो उस कानून का इस्तेमाल होने लगता है। अब मैं एक उदाहरण देता हूँ आपको। मांडवी नदी के अंदर कैसीनो चल रहा है, क्या कानून है? अब तो गोवा के रहने वाले लोग हैं ना, क्या कानून है कि लैंड पे कैसीनो नहीं होगा? कहा ठीक है तो नदी में चलाएंगे, चल रहा है ना कैसीनो। क्या बोली बीजेपी? बीजेपी बोली कि नहीं नहीं, कैसीनो जो है वो गोवा के कल्चर को खराब कर रहा है। और बीजेपी का मंत्री आकर के क्या बोला कि हम गोवा को भारत का कैसीनो कैपिटल बनाएंगे। अवेयरनेस अगर होगा तो लोग जब वोट करने के लिए जाएंगे तो वोटिंग पैटर्न में वो दिखना चाहिए ना। बैनिंग इज नॉट द सॉल्यूशन, अवेयरनेस इज द सॉल्यूशन, ठीक है। और कांग्रेस पार्टी आप कहीं ले आइए, उसका ना एक्चुअल फर्क आपको दिखना शुरू हो जाएगा। इससे पहले मैं आप इंटरनेट पर दो घटना हुई थी, एक सुल्ली बाई और दूसरा क्या था, बुल्ली बाई। क्या फर्क है? मुंबई पुलिस जाकर के गिरफ्तार की है तो अभी दिल्ली पुलिस भी आसान से एक इंसान को गिरफ्तार करके ले आई है। स्टेट में आप किस पार्टी को बिठाते हैं उससे पुलिस का करेक्टरिस्टिक बदल जाता है। स्टेट में आप किसको चीफ मिनिस्टर बनाते हैं
उससे शासन प्रशासन का तरीका बदल जाता है। आप कांग्रेस पार्टी को पावर में लाएंगे तो कांग्रेस पार्टी है ही जो कहती है ईश्वर अल्लाह तेरा नाम सबको सम्मति दे भगवान, तो धर्म के आधार पे किसी के साथ कोई डिफरेंसेस नहीं होता, एक बात। और दूसरी बात जो आपने कहा कि आपके ऊपर कोई प्रेशर है आप अपने दोस्त का नाम, देखिए एक तो ये बात आपने इंटरनेट से सुनी होगी और इंटरनेट पे मेरे लिए ना बहुत कुछ बोला जाता है, ये एक आरोप है। मैं पिछले 5 साल में लगभग 500 आरोप झेल चुका हूँ और मैं आपको बता देता हूँ, आप कहते हैं डरने की बात, एक केस पॉपुलर हुआ है, मेरे ऊपर 19 केस किया है देश के अलग अलग कोनों में भाजपा वालों ने। तो इस तरह के आरोप जो हैं पहले भाजपा की तरफ से आते थे, आजकल भाजपा विरोधी जो तबका है वहां से भी आना शुरू हुआ है। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि जब आप अपना पॉलिटिकल लाइन क्लियर कर लेते हैं ना, आप अपने विरोधी का चुनाव कर लेते हैं, तो दोस्त जो है ना वो अपने आप आपके बनते हैं। लेकिन पॉलिटिकल फ्रेंडशिप जो होती है उसको इस तरीके से क्यों प्रस्तुत किया जाता है, जैसे कि हर बार फ्रेंडशिप डे के दिन हम लोगों को जो है चौराहे पे खड़ा होकर के फ्रेंडशिप बैंड बनवाना है। उसमें बहुत सारे नुआंसेज को, बहुत सारी जो सच्चाई है उसको छुपा लिया जाता है। मैं एक बात आपको बता दूं, मैं जिस पार्टी का मेंबर था उस संगठन का नाम ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन है, ये लोगों को याद नहीं है, बस लोगों को ये याद है कि कन्हैया लेफ्टिस्ट था। अरे तो लेफ्टिस्ट तो कोई भी हो जाएगा, इस हिसाब से तो देश की 99% जनता लेफ्टिस्ट है क्योंकि सब लेफ्ट से ही धो रहा है। ये थोड़ी इस तरीके से चीज़ें थोड़ी डिसाइड होगी। आइडियोलॉजी का क्या मतलब है? मैं ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन का मेंबर था जो ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन का इनॉग्रेशन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। हमारा आइडियोलॉजिकल लाइन पूरी तरह से क्लियर है कि हम देश से कोई आज़ादी कभी नहीं मांगे हैं, हम देश में आज़ादी की बात करते हैं। हमारा पॉलिटिकल लाइन बिल्कुल क्लियर है कि हम समाज के अंदर कोई भी बदलाव लोकतंत्र के माध्यम से चाहते हैं, हम सारा बदलाव बैलेट के माध्यम से चाहते हैं, बुलेट के माध्यम से कोई बदलाव नहीं चाहते हैं। हमारा आइडियोलॉजिकल लाइन क्लियर है कि हम गांधी को मानते हैं, हम डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को मानते हैं, हम पंडित जवाहरलाल नेहरू को मानते हैं, हम भगत सिंह को मानते हैं, हम सावित्री बाई फूले को मानते हैं, हम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के सपनों का देश बनाना चाहते हैं, ये क्लियर है। इस आधार पे आप हमारे फ्रेंड्स और इनमी को डिसाइड कीजिए। होता क्या है, इस तरह के सवाल क्यों बनाए जाते हैं, झूठ का सहारा लिया जाता है। मैं आपको बता दूं कि जिस प्रोग्राम के आधार पे मुझे गिरफ्तार किया गया, मैं उस प्रोग्राम का ऑर्गेनाइजर नहीं था साहब, और मैं JNU का प्रेसिडेंट होने के चलते उस यूनिवर्सिटी को बदनाम करने के लिए मुझे जेल में डाला गया। कोई हमारे लिए जेल में नहीं गया है, ये झूठ है, ये बात आप जान लीजिए। ये बात मैं पब्लिकली इसलिए नहीं बोलता हूँ क्योंकि जो लोग भी जेल में बंद हैं उन लोगों के साथ गलत हो रहा है। मैं अपनी सफाई में उनको गलत नहीं ठहराना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि जिन विद्यार्थियों को आज भी जेलों में बंद करके रखा गया है वो लोग आतंकवादी नहीं हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि जो पॉलिटिकल पोजीशन के आधार पर कांग्रेस पार्टी को डिसाइड किया जाता है उस क्रिटिसिज्म को मैं बर्दाश्त कर लूंगा। इसका यह मतलब नहीं है कि कोई अगर गांधी को फांसीवादी कह देगा मैं इस बात को बर्दाश्त कर लूंगा। गांधी इस देश के सबसे लोकतांत्रिक व्यक्ति हैं, अगर कोई गांधी को फांसीवादी कहता है मतलब उसको लोकतंत्र में कोई भरोसा नहीं है। यह हमारा पॉलिटिकल लाइन बिल्कुल क्लियर है और हमारी समझदारी ये है कि जब गांव में भेड़िया घुस आए ना तो पड़ोसी से लड़ने में अपनी एनर्जी नहीं बर्बाद करनी चाहिए। आज इस देश में BJP सबसे बड़ा दुश्मन है और BJP से लड़ने के लिए जो हमको पॉलिटिकल कॉम्प्रोमाइज करने होते हैं हमने वो पॉलिटिकल कॉम्प्रोमाइज किया है। इसका ये मतलब नहीं है कि दूसरी पार्टियों की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अरविंद केजरीवाल जब पहली बार चीफ मिनिस्टर बने थे
तो कांग्रेस पार्टी के सपोर्ट से बने थे, इस बारे में भूल दिएगा नहीं। जब ममता बनर्जी दीदी जब बंगाल की चीफ मिनिस्टर बनी थी तो कांग्रेस पार्टी के सपोर्ट से बनी थी और कांग्रेस में थी, इस बात को कभी भूलिएगा नहीं। और आज कांग्रेस पार्टी को कमजोर करके अगर किसी को लग रहा है कि वो भाजपा से लड़ रहे हैं तो वो भाजपा से नहीं लड़ रहे हैं, वो भाजपा की मदद कर रहे हैं। और हमने अपनी जिंदगी में लड़ना किससे है ये तय कर लिया है। अगर हमने ये तय कर लिया है कि हमको गोडसे से लड़ना है तो गांधी और अम्बेडकर और भगत सिंह हमारे दोस्त अपने आप हो जाएंगे। इसी यही हमारी मदद करने की।